तो देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में देखा था। आज हम जानेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है, आपने लास्ट वीडियो में एक दो एग्जांपल भी देखे थे, यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो देखेंगे नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अ सीक्वेंस SN इज सेड टू बी डाइवर्ज। कोई सीक्वेंस जो है डाइवर्स करती हुई कहलाएगी प्लस इन्फिनिटी पे डिनोटेड एज, जिसको डिनोट कर सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इफ़ टू ईच पॉजिटिव नंबर कैपिटल G देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच डैट SN इज ग्रेटर देन G फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसका मतलब बच्चों, आपने यहाँ समझा कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट कहलाएगी प्लस इन्फिनिटी पर करती हुई, अगर वो सीक्वेंस जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती जा रही है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, एन स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर पुटअप करें तो आपको यहाँ पे इसकी जो सीक्वेंस है वो मिलेगी 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक अप्रोच करती हुई जाती है, तो इसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेस कहेंगे प्लस इन्फिनिटी पर। ऐसे ही यहाँ पे आप 1, 2, 3 पुटअप करें तो ये सीक्वेंस भी 2, 4, 8, 16, 32 ये ऐसे ही आगे इन्फिनिटी तक अप्रोच करती है, तो इसे भी हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे प्लस इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था, ये n और m क्या है। मान लीजिए अगर हम इस सीक्वेंस को नोटिस कर रहे हैं इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज से, जैसे कि a100, a101, a102 और a103 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू जो है इसकी स्मॉलर वैल्यू होगी, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म होगी जो कि है 100, और n की वैल्यू जिस टर्म को अगर हम नोटिस करेंगे उसको हम n कहेंगे। तो सपोज़ डैट मैं इसकी एक पर्टिकुलर टर्म्स है जिसका जो है आपकी कितना a110, तो n को हम 110 कंसीडर कर लेंगे, तो ये वैल्यू आप यहाँ से लेंगे। तो इसका मतलब कैपिटल जी क्या होगा, कैपिटल जी का मतलब होगा कि ये आपकी कोई एक ऐसा यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा जिसकी वैल्यू जो है आपकी इससे ग्रेटर होगी। इसका मतलब इनके जो बीच में जो डिफरेंस या ज्योमेट्रिकली डिफरेंस या आपका अर्थमेटिकली डिफरेंस है वो क्या होगा, वो यहाँ जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे देखा कि कोई सीक्वेंस जो है प्लस इन्फिनिटी पर अप्रोच करती हुई दिखेगी अगर उसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। अगर ये ही वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती करेगी तो इसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहें, डाइवर्स सीक्वेंस कहेंगे माइनस इन्फिनिटी पर, जिसे डिनोट करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, और इसमें आपका कोई m कोई ऐसा इंटीजर होगा जो आपका हमेशा n से स्मॉलर और इक्वल होगा, और यहाँ पे SN की वैल्यू स्मॉलर g से छोटी होगी। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये सीक्वेंस जो है अगर आप इसमें -1, -2, -3, -4 पुटअप करें तो n की जगह पुटअप कर दीजिए, तो ये है आपका 1 पुटअप करेंगे -2 आएगा, 2 पुटअप करेंगे -4, 3 पुटअप करेंगे इसमें तो -6 आएगा। तो ये देख रहे हैं सीक्वेंस जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि देखिए माइनस सीक्वेंस में क्या, माइनस वाली जो टर्म्स हैं उसमें इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली छोटी होती जा रही है, और ये सीक्वेंस जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये सीक्वेंस डाइवर्जेस है माइनस इन्फिनिटी पर। लेकिन कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो ना तो कन्वर्जेस होंगी ना ही वो डाइवर्जेस होंगी। जैसे कि देखिए, याद रखेंगे ये सीक्वेंस जो है -1, -1, -1, ये कन्वर्जेस नहीं है और ये डाइवर्जेस भी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना तो, मतलब ये सीक्वेंस ना तो इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगी और ना ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ऐसी सीक्वेंस को आप ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस कहेंगे। और ऐसे ही ये भी एक सीक्वेंस है जिसकी वैल्यू अगर आप यहाँ n की जगह 1, 2, 3 पुटअप करें तो 0, 2, 0, 2, 0, 2 आएगा। तो ये सीक्वेंस भी ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस होगी। इसका मतलब ये ना ही कन्वर्स करेगी ना ही डाइवर्स करेगी। ऐसी अगली सीक्वेंस के बारे में बात करें तो ये सीक्वेंस जो है 1, 2, 3 देखिए ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और दूसरी सीक्वेंस जो है 1/2, 1/3 और ये सीक्वेंस जो है कंटिन्यूसली मतलब डिक्रीज़ हो रही है।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ इसके दो पॉइंट्स हो गए, एक जगह तो ये इंक्रीज कर रही है, दूसरी जगह ये डिक्रीज कर रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को भी आप ऑसिलेटरी इन्फाइनाइटली सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर नहीं है इसका। सीक्वेंस एक टर्म्स में इंक्रीज होती है, दूसरी टर्म्स में डिक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से इसे ऑसिलेट इन्फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे।